क्रिस्पी फ्राइड चिकन KFC स्टाइल। अब हम क्रिस्पी चिकन के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा। मैंने तकरीबन 10 ग्राम जीरा लिया है। धनिया पाउडर जो कि 7 ग्राम के करीब है। ये है टोमेटो पाउडर, ये है 5 ग्राम्स। ये है जिंजर पाउडर जो कि 4 ग्राम के करीब है। ये हमारी नॉर्मल लाल मिर्च, ये 3 ग्राम। ये पेपरिका पाउडर है, स्वीट पेपरिका है, ये 5 ग्राम। ये हल्दी पाउडर 2 ग्राम और अनियन पाउडर हम इसमें डालेंगे 5 ग्राम। और अब हम इसमें डालेंगे नमक जो कि 7 ग्राम के करीब है। हमारा मिक्स ये रेडी हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा स्पाइस मिक्स रेडी है। अब हम इसके अंदर इसको चिकन के अंदर डाल के इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अगर 24 घंटे नहीं कर सकते तो 7 घंटे मिनिमम है ही है कि आपको 7 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखना है, तभी ये जो है इसका फ्लेवर अटेन करेगा। ये मैंने मेरा जो चिकन है 750 ग्राम का है, 1 किलो चिकन के अंदर 37 ग्राम्स के करीब ये मसाला जाता है। और ये मेरा चिकन जो है 750 ग्राम का है तो मैं इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 22 ग्राम्स ये मसाला डालूंगा, यानी कि 4 चम्मच। 2, 3, 4। और अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इस मैरिज चिकन को आप जिप लॉक में करके आप तकरीबन 3 महीने तक आप इसको डीप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा, आई गारंटी यू। अब हम इसको 24 घंटे से मिनिमम 7 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ये मैंने मैदा लिया है, 500 ग्राम मैदा है। उसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालूंगा, 40 ग्राम मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगा, 10 ग्राम मिल्क पाउडर डालूंगा। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी ब्रेडिंग के लिए रेडी हो रहा है। मिल्क पाउडर इसलिए ताकि एक तो कलर अच्छा आता है इसमें, और जब हम इसको ब्रेडिंग करेंगे तो ये चिपकने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। ब्रेडिंग के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए होते हैं चिल्ड वाटर। मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल दी है और ये पानी को हम एकदम चिल्ड चाहिए हमें। ये चिल्ड हो रहा है पानी, तब तक मैं इसको कोट कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा कोटिंग का तरीका, देखिए ऐसे ही चिकन को हमने ऐसे कोट करना है और इसके बाद हम इसको पानी में डिप करेंगे। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमारा मसाला उतर जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए हमारा मसाला उसके साथ लगा हुआ है। अब हम इसको दोबारा कोटिंग करेंगे 1 से 2 मिनट। अब जो सबसे मेन स्टेप है हमारा वो है इसको ऐसे झाड़ें ज़रूर, जो कि ताकि हमारा जो एक्सेस मैदा है वो बाहर निकल जाए। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कैसे फ्लेक्स आ गए हैं। इसको जो झाड़ना है वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अब वही सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। ये देखिए हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। इसको ऐसे करके आप इसको डीप फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट जो है चिकन का वो बाहर आ जाएगा, उससे ये सारा क्रम्बलनेस जो है ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको, हमारा ऑयल जो है तकरीबन 150 डिग्री तक गर्म होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर इस चिकन को डालूंगा और इसको भी हम डबल फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हम इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए निकालेंगे और हम इसको फिर दोबारा फ्राई करेंगे ताकि जो है अंदर तक चिकन हमारा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी पके। ये देखिए अभी ये हाफ डन है। ये अब हम दूसरी बार पका रहे हैं। एक बार हमने इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था और अब हम इसको सेकेंड टाइम पका रहे हैं ताकि अंदर तक पक जाए, चिकन हमारा कच्चा ना रहे। क्योंकि अब ये जो ऑयल का टेम्परेचर है वो 150 से 180 के बीच में रहना चाहिए। ये देखिए क्रिस्प, हमारा क्रिस्पी चिकन अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मिनट पकाया है तेल के अंदर और ये अब हमारा चिकन रेडी हो चुका है। क्रिस्पी चिकन रेडी है। ये देखिए इसकी कोटिंग और इसको खा के देखिए पूरा क्रिस्प आएगा इसमें। अब मैं इसके डिप बना रहा हूँ। ये मैं मिंट मेयो बना रहा हूँ। अदरक लहसुन धनिया पुदीना मिक्स करके एक पेस्ट बना रखा है हमने और उसी का ही यूज़ कर रहा हूँ मैं मिंट मेयो बनाने में। ये अब हमारा मिंट मेयो रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमने मिंट मेयो सर्व कर दी। अब मैं ये चिकन है वो सर्व करूँगा।
ये हमारा क्रिस्पी चिकन होम स्टाइल रेडी है विद मिंट मेयो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।